नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इन द करंट अफेयर शो बेस्ड ऑन द हिंदू और मेरा नाम है कुश पांडे। आप देख रहे हैं आज की करंट अफेयर। द करंट अफेयर्स विल फोकस ऑन 14th एंड 15th ऑफ अप्रैल, दैट इज संडे एंड अ मंडे। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो गाइस, प्लीज शेयर द वीडियो टू एज मेनी पीपल एज पॉसिबल, लाइक द वीडियो एज मेनी पीपल एज पॉसिबल एंड मेक दिस द बेस्ट करंट अफेयर शो ऑन यूट्यूब। तो चलो शुरू करते हैं एंड ले चलते हैं आपको हमारे आज के पहले मोटिवेशनल कोट पे। ही समवन हु आई ट्रीट इक्विवेलेंट टू स्टीव जॉब्स। इनका नाम है इलॉन मस्क। ही इज़ द फाउंडर ऑफ टेस्ला एंड SpaceX। व्हेन समथिंग इज इम्पॉर्टेंट इनफ यू डू इट इवन इफ द ऑड्स आर नॉट इन योर फेवर। अगर आपके लिए आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ है जो कि इनफ नहीं है, जो कि इम्पॉर्टेंट है, माफ़ करना, तो आप वो तभी करते रहोगे जब आपके हिसाब से सिचुएशन नहीं है। सो वट एवर यू फील इम्पॉर्टेंट, डू इट एट ऑल टाइम्स एंड सक्सेस विल फॉलो। दैट इज़ द बॉटम लाइन दैट आई वॉन्ट टू गिव एवरी वन इन दिस पर्टिकुलर सेशन। तो चलो शुरू करते हैं एंड ले चलते हैं आपको हमारे आज के टॉप 13 हेडलाइंस पर, जो कि ये रही आपके सामने। इंडिया सेलिब्रेट्स रंगाली बिहू, नेशन पेज ट्रिब्यूट टू डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑस्ट्रेलियन इंडियन नेवी कंक्लूड मैरिटाइम एक्सरसाइज ऑस इंडेक्स। एक बार वॉल्यूम ज़रा मेरा बढ़ा दिया करो क्योंकि बच्चे बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, तो मेरा वॉल्यूम आप बढ़ा ही दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। देन मीना कुमारी माइसन नाम क्लिंचेस द गोल्ड मेडल इन द बॉक्सिंग वर्ल्ड कप हेल्ड इन कलून। इथियोपियन एथलीट्स जेलेटा बुरका एंड अब्रा मिलो दे विन द 43rd एडिशन ऑफ द पैरिस मैराथन। FPI, that is foreign portfolio investments, remain bullish. Bullish means they are trying to invest more and more. Bearish means they are neglecting investments. So bullish hai matlab they are trying to invest more and more. Nation remembers heroes on 25th Siachen day, 13th April ko aapka ye padhta hai, when India won it against Pakistan in Siachen. Then UPI, that is Unified Payment Interface, it sets searing pace while e-wallets wobble. जो UPI का एक installment है, जो उसका usage है, वो काफ़ी बढ़ चुका है, पर जो e-wallets का role है वो काफ़ी कम हो गया है। Then we'll discuss about KYC, that is Know Your Customer. Tiger Woods, after 2008, he has won the first Masters ever. This is the greatest comeback ever in the field of golf and we'll discuss this. Then Lewis Hamilton has won the Chinese Grand Prix. He is now the leader in the Drivers' Championship. Then we have a Milwaukee coach, inko mila hai NBA. That is the National Basketball Association's Coach of the Year. And the 13th headline guys, jo ki hai world's largest plane, it has made its first test flight. Usne apni jo pehli test flight hai, usko hal hi mein dosto kiya hai. To overall ye aapki 13 khabrein hain. In pe hum one by one aaj focus karne ja rahe hain. To ye rahi aapke samne hamari aaj ki pehli khabar. Dosto, we'll discuss about Rangali Bihu. Bihu ke saath saath alag alag states mein there have been various festivals which are based on harvest. Harvest ke upar jo dhan ki ugai hai uske upar कई सारे फेस्टिवल में, सबसे फेमस जो फेस्टिवल है आपका, दैट इज़ रंगाली बिहू। तो आइए वन बाय वन इन फेस्टिवल्स की बात आपके सामने कर लेते हैं ताकि किसी को भी कोई इशू इन फेस्टिवल्स में ना आए। तो आइए एक बार ले चलते हैं आपको हमारी हेडलाइंस पर, जो कि ये रही आपके सामने। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद हैज़ ग्रीटेड द नेशन ऑन वेरियस फेस्टिवल्स, फॉर एग्जाम्पल बैसाखी या वैसाखी, विशु, रंगाली बिहू, नबा बर्षा, वैशाखनडी एंड पुथांडू पिरापू। कई तरह के आपके हार्वेस्ट फेस्टिवल्स हैं जो कि पिछले दिन हुए एंड दे फेल ऑन ऑलमोस्ट द सेम डेट। उन फेस्टिवल्स को वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला रहा आपका रंगाली बिहू। वैसे तो बिहू इज सेलिब्रेटेड थ्राइस अ ईयर, एक साल में तीन बार आपका बिहू होता है एंड इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर, बट रंगाली बिहू इज़ द बिगेस्ट एंड द मोस्ट पॉपुलर बिहू ऑफ ऑल। रंगाली और बोहाग विच मीन्स स्प्रिंग, तो स्प्रिंग बिहू, इट फॉल्स ऑन द लास्ट डे ऑफ द आसमीज कैलेंडर मंथ ऑफ चौट। चौट जो आसमीज कैलेंडर में लास्ट मंथ होता है, उसके लास्ट डे में पड़ता है आपका, और ये बिटवीन अप्रैल 13 एंड 14 हर साल आपका पड़ता है। ऑन दिस जो नौजवान होते हैं वो अपने एल्डर्स के घर जाते हैं एंड यहाँ पर एक बिहुवान करके, विच इज़ बेसिकली असमीज टाउल, उसको एक्सचेंज किया जाता है एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट। तो रंगाली बिहू हैपन्स इन असम। देन वी हैव पोलिया बैसाख, जो कि होता है बंगाल में। इट इज़ ऑल्सो नोन एज पहला बैसाख और बांग्ला नववर्षा। दिस इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द बंगाली कैलेंडर। हर साल इट सेलिब्रेटेड ऑन 14th अप्रैल इन बांग्लादेश, और वहाँ पर इट इज़ अ नेशनल हॉलीडे एंड इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 15th और 14th अप्रैल इन वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड पार्ट्स ऑफ असम। तो सेकेंड फेस्टिवल है आपका
Polia Baisakh. Then we have Mahabishuva Sankranti, which takes place in Odisha. Odisha mein on the very same day that is of Polia Baisakh, we have the Mahabishuva Sankranti, better known as Pana Sankranti. इस दिन एक लोकल ड्रिंक दे हैव, उस लोकल ड्रिंक का नाम होता है बेला पन्ना, जो कि गोल्डन एप्पल या बेल से बनकर आपकी तैयार होती है. सो फर्स्ट थ्री फेस्टिवल्स रहे, रोंगाली बिहू, पोलिया बैसाख, एंड देन वी हैव महाबिशुवा संक्रांति. अपार्ट फ्रॉम दिस देर आर सम अदर फेस्टिवल, फॉर एग्जाम्पल वी हैव पुठांडू इन तमिलनाडु. दिस फेस्टिवल इज़ द फर्स्ट डे, इट एक्चुअली हैपन्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ तमिल न्यू ईयर. बेसिकली इसका नाम होता है न्यू ईयर ग्रीटिंग्स, एंड इस दिन जो दोस्त है, रिश्तेदार हैं, आपस में एक दूसरे से मिलते हैं. देन वी हैव विशु, इट इज़ बेसिकली इन केरला, इट मार्क्स द कम्प्लीशन ऑफ द स्प्रिंग इक्विनॉक्स का जो कम्प्लीशन है उसको दिखाता है. इस दिन दे ऑब्जर्व द रिचुअल ऑफ विशुकानिनी. वॉट इज विशुकानिनी गाइस? इन विच सीजनल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, राइस, गोल्ड, क्लोथ्स, इनको भगवान के सामने रखा जाता है एंड फिर पूजा की जाती है. Then we have Bikhoti in Uttarakhand. It involves people taking a dip in the holy rivers, and basically ये symbolic stones जो हैं उसका use करते हैं, and they basically beat the symbolic stones for representing demons with sticks. तो ये होता है आपका उत्तराखंड. And the last one is Jurshital in Bihar. ये basically जो मिथल region है बिहार नेपाल का, वहाँ पर होता है, and इसका एक और नाम है आपका Jurshital. इस दिन जो यूज़ लोटस लीव जो है उनको इस दिन जो लोटस लीव है उन पर सत्तू सर्व किया जाता है टू द फैमिली मेम्बर्स. सो ओवरऑल देर आर 6 to 7 हार्वेस्ट फेस्टिवल्स गाइस, जिनको मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस किया है. ज्योति, आई अगेन अपोलोजाइज, माई प्रोनंसिएशन माइट बी बैड, बट द इन्फॉर्मेशन विल बी टॉप नॉच. ऑल राइट, सो इज़ इट क्लियर टू एवरी वन? कमेंट कर दीजिएगा 1 या फिर 1 स्टार, ताकि मैं समझ पाऊँ कि आपको पूरी तरीके से हेडलाइन क्लियर हो गई है. अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, एंड प्लीज़ वीडियो को शेयर अपने सोशल मीडिया पे ज़रूर कीजिएगा. चलिए आगे बढ़ते हैं, ले चलते हैं आपको अगली खबर पे. अपार्ट फ्रॉम द फेस्टिवल्स, दिस वीकेंड वी ऑल्सो सेलिब्रेटेड वन ऑफ द founding figures of our India, of our modern India, one of the figures which is the most divisive figure but the most intelligent of the figures around the world and across the country. एक ऐसा पुरुष, एक ऐसा फ्रीडम फाइटर, एक ऐसा नेता, एक ऐसा क्या कहते हैं लीगल, या फिर एक ऐसा लॉयर हु हैज़ बीन रिगार्डेड एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. हिज बर्थडे वॉज सेलिब्रेटेड, एंड आइए इनके बारे में हम एक बार देख सकते हैं. Popularly known as Baba Saheb, he was the chairman of the drafting committee. He is also called as the father of the Indian Constitution. ये एक lawyer भी थे और एक economist भी थे. He was born in the region of Madhya Pradesh in Mau region में, उस समय जो मध्य प्रदेश में था, जो उस समय मध्य प्रदेश में है उसमें ये इनका जन्म हुआ था. He has a doctoral degree in economics from Columbia University and also the London School of Economics. So काफ़ी एक famous, काफ़ी एक influential figure थे. He was a part of the Bombay Presidency Committee, जिसने कि साइमन कमीशन के साथ वर्क किया था 25 में. He also established the बहिष्कृत हिताकरणी सभा, जिससे कि जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं, जो दलित्स हैं, उनके लिए एजुकेशन और जो इम्प्रूवमेंट्स हैं आर्थिक तौर पे वो किए जाएं. आफ्टर इंडिपेंडेंस ही बिकेम द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन 1947. इन्होंने कई तरह की किताबें भी लिखी हैं. हिज बुक्स नेम आर द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, द बुद्धा एंड हिज धम्मा, द एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया, एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सेट्रा. ये सारी किताबें इन्होंने लिखी हैं. एंड ही पास्ड अवे इन 1956 इन दिल्ली. दिल्ली में इनका देहांत 1956 में दोस्तों हो गया. सो दीज आर द टॉप एट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द ग्रेट लीडर दैट इज़ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर. इसको चाहें तो एक बार फिर से आप देख सकते हैं. बिल्कुल सही कह रहे हैं सुरभि, इट इज़ द 128th एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर. उनकी 128वीं ये एनिवर्सरी, ये एक बर्थ एनिवर्सरी है. क्लियर हो गया आप सबको? जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा 1 या फिर 1 स्टार, ताकि मैं समझ पाऊँ कि आपको क्लियर हो गया है. आई होप दिस इज क्लियर कट टू एवरीवन गाइस. चलिए आगे बढ़ते हैं और ले चलते हैं आपको हमारी अगली खबर पे. उससे पहले दोस्तों एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जो लोग इसकी, मैं हूँ एक प्रोफेशनल, ऐसे आईटी सेक्टर में कई लोग हैं एंड पीपल वर्क लॉन्ग आवर्स, बट बी आर अम्बेडकर वॉज द पर्सन हु एक्चुअली चेंज द वर्किंग आवर्स इन इंडिया फ्रॉम 14 आवर्स टू 8 आवर्स. मतलब 14 घंटे की वर्किंग होती थी इनसे पहले, और यही वो व्यक्ति थे जिन्होंने जो वर्किंग है उसे 14 घंटे से 8 घंटे की. सो दैट इज़ एन इंटरेस्टिंग फैक्ट बाय मिस्टर अम्बेडकर, एंड अच्छा लगा देख के, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया.
चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। ओस इंडेक्स 18 या ओस इंडेक्स 19 जो भी कह लीजिए, दी बायलैटरल मैरिटाइम एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया इंडियन नेवी एंड द ऑस्ट्रेलियन नेवी, इट हैज़ कंक्लूडेड इन विशाखापट्टनम, एंड इसकी डिटेल्स आइए जान लेते हैं। ये रही आपके सामने, बोथ ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया डिप्लॉयड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ असेट्स टू डेट एट द एक्सरसाइज हेल्ड इन विशाखापट्टनम। इट फोकस्ड ऑन एंटी सबमरीन वॉरफेयर एंड ओवरऑल जो विजन था इंडिया का दैट इज सागर, उस पर फोकस किया गया। वेयर सागर मीन्स सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑफ फॉर ऑल इन द रीजन। इस पर्टिकुलर मैसेज पर, इस पर्टिकुलर फीलिंग पर या इस पर्टिकुलर विजन पर फोकस किया गया इस एक्सरसाइज में। दैट वॉज ओस इंडेक्स विच कंक्लूड यस्टरडे और डे बिफोर यस्टरडे इन विशाखापट्टनम। अपार्ट फ्रॉम दिस, इन 2018-19 कुछ एक्सरसाइजेज हुई जो कि आपके एग्जाम में आ सकती हैं, जैसे कि इंदिरा नेवी 18, इट इज़ एन एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड रशिया। देन रिसेंटली वी वॉज हेल्ड बोल्ड कुरुक्षेत्र 2019 बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर। देन ऑस्ट इंडेक्स एज सजेस्टेड इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। मित्र शक्ति 6 बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। एफ इंडेक्स बिटवीन इंडिया एंड 16 अफ्रीकन नेशंस। संप्रीति 19 दैट इज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। मैनामती मैत्री बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। इम्बेक्स 2018-19 बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार। सो देयर आर टॉप 8 मिलिट्री एक्सरसाइजेज जिस पे आपके एग्जाम में सवाल बन सकते हैं, तो इसको भी एक बार आप देख लीजिएगा। ठीक है, क्लियर हो गया, कमेंट कर दीजिएगा 1 बिकॉज सिंपल खबर थी, ऑस इंडेक्स बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया एंड देन द रिमेनिंग 7 एक्सरसाइजेज बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज वो भी आपके एग्जाम में आ सकती हैं। ओके, लेट्स प्रोसीड नाउ टू द नेक्स्ट हेडलाइन गाइस, जो कि ये रही है आपके सामने। The Cologne Boxing World Cup recently was concluded. It was earlier known as the Chemistry Cup. And India did wonders in this particular cup. And kai log ko bronze mila, kai log ko silver mila, and kai log ko aapka gold medal bhi India ki taraf se mila. So aaiye ek bar dikhate hain aapko isi headline ke bare mein. India finished with 5 medals in the Boxing World Cup that took place in Cologne, Germany on Saturday. Meena Kumari Maisnam, she continued her fine run to win the gold medal in 54 kilogram category. Reigning youth world champion Sakshi and India Open champion Pilo Basumatari, they settled for silver. Pinky Rani and Parveen, they won the bronze medals. Overall, India ko mile 5 medals. India ne SAPS member ki team send ki thi this time, kyunki pichle saal India ko mile the 6 medals in the Chemistry Cup, jo ki iska purana naam hai. And this year, India has won 5 medals, including a gold medal by Meena Kumari Maisnam, and she won it in the 54 kilogram category. To do sawal yahan par banenge, sawal pehla banega, the Boxing World Cup happened in which city? The answer is Cologne, Germany. Second question banega, which of the following won the gold medal in the 50 kilogram category in at the Cologne World Cup? The answer is Meena Kumari Maisnam. Third sawal banega, that Sakshi is related to which sport? The answer is boxing. Similarly, Pilau Basumatari, Pinky Rani, Parveen, ye sab ke sab aapke boxing se sambandhit hain. Ek aur sawal banega, the Cologne World Cup is related to which sports? So, uska answer hoga aapka boxing. Wo sawal bhi aap exam mein chahein to dekh sakte hain. So, overall, India isme 5 medals ke saath India completed the journey at the Cologne World Cup. Clear हो गया है, अगर smile आ रही है अच्छी, smile भी कर सकते हो and video को जितना चाहे share कर सकते हो. Let's proceed now to the next headline guys, जो कि ये रही आपके सामने. One of the world's most popular marathons that takes place every year in Paris, it concluded and the dominance of the Egyptian athletes or the sorry the dominance of the Ethiopian athletes was seen to everyone. Jo Ethiopian athletes hain unke jalwa yahan par barqarar raha and they won the men's and the women's category respectively. Un dono ki photo aapke samne screen pe maine bata di hai, to aaiye inke bare mein baat kar lete hain. Ethiopian athletes Jeleta Burka, she won the women's race, and Abra Milo, he won the men's race, and they won it at the 43rd edition of the Paris Marathon. Is bar 60,000 participants ne participate kiya, and Milo won the title in the men's race with 2 hours 7 minutes 50 seconds, and Burka won that in the women's category with 2 hours 22 minutes and 48 seconds. In the wheelchair race, jo ki third category thi, usme Julian Kasoli, he won it for the third time around. So overall, 3 winners the, ek ka naam tha Jeleta Burka in women's
अब्रा मिलो इन मेंस एंड देन इन द व्हीलचेयर रेस वी हैड उलियन कसोली। अगर हम पेरिस मैराथन की बात करें, द मॉडर्न डे पेरिस मैराथन जो कि नए एरा की मॉडर्न मैराथन है, दैट स्टार्टेड इन 1976 एंड इट हैपन्स नॉर्मली ऑन अ संडे इन अप्रैल एंड जनरली इसमें 50,000 रनर्स ही लेते हैं, पर इस बार रिकॉर्ड बना जब 60,000 रनर्स ने इस बार आपका पार्टिसिपेट किया। तो इन विनर्स के नाम देख लीजिएगा, इनके नाम है जलेटा बर्का एंड अब्रा मिलो, इतना ही याद रखना है, इसके अलावा इसमें कोई सवाल और आपका नहीं बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ले चलते हैं आपको हमारी अगली खबर पे। दोस्तों मैंने एक शो किया करता था, दैट शो वाज बैंकिंग बाइट्स, दैट वाज अ पार्ट ऑफ द बीबीएम शो। आई एम स्टार्टिंग दिस शो दिस वीक, इस हफ्ते में इसको शुरू कर रहा हूँ। तो उसमें मैंने डिस्कस किया था कुछ टर्म्स, उनमें से कुछ टर्म्स थे FII, FDI एंड FPI। इन टर्म्स को आज डिस्कस करेंगे। रीज़न वाई डिस्कस करेंगे, बिकॉज जो FPI है, इट हैज़ रिमेन्ड बुलिश ऑन द इंडियन मार्केट्स एंड दे हैव पोर्ड इन अराउंड 11,096 करोड़ इन द मंथ ऑफ अप्रैल। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, जिसे हम एक इन्वेस्टमेंट कहते हैं डन बाय इन्वेस्टर्स और स्मॉल कंपनीज अप टू 10% इन ए कंपनी शेयर, वो जो आपका है वो काफ़ी बढ़ चुका है और वो अब आपका 11,096 करोड़ पे आ गया है। नाउ गाइस, एक बात यहाँ पर याद रखिएगा, मुझे पता है कई जो बैंकिंग के एक्सपर्ट्स हैं वो आपको नहीं बताते हैं, जो भी GA टीचर्स हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन आपको नहीं बताते हैं, पर प्लीज़ इसको चेक भी कर लीजिएगा कि नाउ FII इज इक्वल टू FPI। तो अगर मैं FII बोलूँ और अगर अब मैं FPI बोलूँ, दोनों क्या है आपका, दोनों सिमिलर है। सो FPI जो है, जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है डन इन मल्टीपल सेक्टर्स बाय इन्वेस्टर्स, दैट हैज़ गॉन अप बाय 11,096 करोड़ इन द मंथ ऑफ अप्रैल। एंड FPI आपका FDI से डिफरेंट है। FDI बेसिकली आपका जो है, दैट इज़ अ लॉन्गर टर्म इन्वेस्टमेंट, वाल FPI और FII बेसिकली इज़ अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। देखिए, FPI का मतलब एक और होता है कि व्हेन एनी फॉरेन इन्वेस्टर इन्वेस्ट इन मल्टीपल सेक्टर्स एट अ टाइम, जब एक विदेशी निवेशक मल्टीपल सेक्टर्स में निवेश करता है, उसे भी हम FPI कहते हैं। ऑलराइट, घनश्याम शाह, आपका सवाल क्या है, बिल्कुल आप पूछ लीजिए ताकि हम आपके सवाल का जवाब यहाँ पर दे पाए। पर उससे पहले दोस्तों, बिकॉज FPI बुलिश हैं, तो देखिए यहाँ पर दो वर्ड्स आएंगे, एक आएगा बुलिश, एक आएगा बियरिश। बुलिश मींस अग्रेसिव और पॉजिटिव, बियरिश मींस रिलक्टेंट और पैसिव। बुलिश कौन होगा, जो कि निवेश कर, बुलिश इज़ एन एनवायरनमेंट वेयर इन्वेस्टमेंट इज़ अग्रेसिव, वेयर द कंडीशन फॉर इन्वेस्टमेंट्स आर सूटेबल, वाल इन बियरिश दे आर रिलक्टेंट, द इन्वेस्टर्स आर रिलक्टेंट इन इन्वेस्टिंग एंड दे हैव अ पैसिव अप्रोच, वो निवेश नहीं करना चाहते हैं या फिर कम करना चाहते हैं। FPI का फुल फॉर्म है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, FII का फुल फॉर्म है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, FDI का फुल फॉर्म है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो लेट्स प्रोसीड एंड लेट्स डिस्कस वन बाय वन कि FII क्या होता है और आपका FDI क्या होता है। देखिए, FDI इज़ एन इन्वेस्टमेंट मेड बाय अ कंपनी और इंडिविजुअल इन द बिजनेस ऑफ अनदर कंट्री इन द फॉर्म ऑफ ईदर इस्टेब्लिशिंग अ न्यू बिजनेस और अक्वायरिंग द एग्जिस्टिंग बिजनेस। FDI का मकसद ये होता है, या तो हम कोई नया बिजनेस स्टार्ट करें या फिर जो बिजनेस है इंडिया में उसको अक्वायर कर लें। Why FPI is an investment made by a company or an individual in the stock market or debt markets on another country, they merely purchase shares based in foreign countries. दो देखिए, दोनों में अंतर क्या है। FDI में आप देख सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट जो होगा वो होगा या तो acquire करने के लिए और नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। In FPI, they basically focuses in purchasing of shares. It does not have any relation with acquiring or starting a new business. तो ये पहला अंतर है। सेकेंड अंतर है कि बेसिकली जो FDI है, दे आर बेसिकली ओपन इन ओपन इकोनॉमीज, जहाँ पर जो एक कंट्रोल है कंपनीज़ के एक्विजिशन का, वो ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता है। FDI is basically try to acquire और control a company. While FPI जो है basically इसका मतलब है कैसे हम जल्दी से जल्दी मुनाफा कमा सके, how to earn quick profits. While FDI का basic funda होता है कि कैसे हम long term investment कर सकें या कैसे हम यहाँ पर growth कर सकें। सो दिस इज़ अ डिफरेंस बिटवीन FDI एंड FPI। एक ही चीज़ याद रखिएगा, FDI इज़ फॉर अ लॉन्गर टर्म इन्वेस्टमेंट, इट इज़ फॉर एक्विजिशन और स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस। FPI ऑन द अदर हैंड इज़ फॉर मेकिंग अ क्विक प्रॉफिट और बेसिकली टू इन्वेस्ट इन शेयर्स ऑफ अ कंपनी, नथिंग मोर नथिंग लेस। क्लियर हो गया आपको, प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा वन या फिर वन स्टार, सिंपल सी खबर है, इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नेशन रिमेंबर्स द हीरोज ऑफ द 35th सियाचिन डे। Siachen Warriors Brigade of Fire and Fury Corps on Saturday, that is 13th of April, that celebrated the 35th Siachen Day,
And according to spokesperson Colonel Rajesh Kalia, this day on 1984, the Indian Army secured the Belafonte La and other passes on the Saltoro Ride Line, and by securing this, they also completed the Operation Meghdoot. And this Operation Meghdoot ki success ko hi hum celebrate karte hain as the Siachen Day. What is Operation Meghdoot, guys? Operation Meghdoot was launched on 13th April 1984. This was the first assault. This military operation was the first assault launched by India in the first assault launched by any country at the highest battlefield in the world. इस दिन इंडिया ने कंट्रोल किया था पूरे पूरे सियाचिन ग्लेशियर पर, एंड इसी दिन को हम सियाचिन डे को मनाते हैं. दैट हैपेंड ऑन 13th of April. तो सियाचिन वॉरियर्स ब्रिगेड ऑफ फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स, इन्होंने सेलिब्रेट किया इस दिन को, एंड इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है एज सियाचिन डे. किस तारीख को? 13 अप्रैल को. इस दिन ऑपरेशन मेघदूत वॉज मेड सक्सेसफुल, जब इंडिया ने पूरा जो सियाचिन ग्लेशियर है उसको कब्जा कर लिया था, उसको कंट्रोल एक तरह से दोस्तों कर लिया था. तो याद रखिएगा, सवाल बनेगा कि व्हेन डिड द 35th सियाचिन डे टेक प्लेस. द आंसर इज 13th of April. 13 अप्रैल को आपका ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है. क्लियर हो गया? कमेंट कर दीजिएगा. वन सिंपल खबर है, इसमें कुछ और पढ़ने की ज़रूरत आपकी नहीं है. आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा कि इस पे सवाल क्या बनेगा. वो सवाल के जवाब भी आप बड़े आराम से यहाँ पर दे सकते हैं. 222 लाइक्स हैं दोस्तों. अगर आपको 800 लोग करीब देख रहे हैं, आई वॉन्ट एवरी वन टू लाइक द वीडियो जल्दी से, अभी के अभी. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. ले चलते हैं आपको हमारी अगली खबर. UPI sets searing pace while e-wallets wobble. There are two keywords, guys. The first keyword here is UPI. The second keyword is e-wallets. And agar hum English ki baat karein, the word is searing pace and the other English word is wobble. What is searing pace? Zara screen pe mere ko side mein le aao. Searing pace means Shoaib Akhtar. Matlab very quick. Very quick numbers. The numbers of installments or the numbers of transactions happening under UPI have quickened. मतलब शोएब अख्तर की स्पेस के हिसाब से चल इतने तेज हैं. While e-wallets wobble. Wobble मतलब अब्दुल रज़ाक, मतलब बहुत ही स्लो पेस है. स्लो पेस है बेसिकली, बहुत ज़्यादा पेस नहीं है. द नंबर्स आर गोइंग डाउन और द नंबर्स हैव नॉट प्रोमिसिंग. तो UPI का जो इन्वेस्टमेंट्स हैं या UPI जो ट्रांजैक्शंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं. एंड जो आपका ई वॉलेट्स है, दे आर बेसिकली वॉबलिंग, मतलब उनके नंबर्स में आपको दिक्कत हो. दी इंस्टॉलमेंट्स और द यूसेज ऑफ ई वॉलेट्स आर गोइंग डाउन. तो आइए एक बार देखते हैं ये UPI होता क्या है. देखिए, UPI का फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस. बेसिकली इट इज़ अ न्यू प्लेटफॉर्म थ्रू विच transfer of money can take place between any two bank accounts in India by avoiding the existing complexities. जो अभी IFSC चाहिए या अभी आपको account number चाहिए या account pin चाहिए, वो कुछ नहीं चाहिए. By using UPI you can directly transfer money from one account to the other. Basically it is an India based payment system and इसका इस्तेमाल एक smartphone के ज़रिए भी आप कर सकते हैं. बेसिकली इट अलाउज पेइंग समवन एंड ऑल्सो कलेक्टिंग मनी फॉर. देखिए, दो ऑप्शन आते हैं इसमें, या तो किसी को आप पे करो या तो किसी से पैसे कलेक्ट करो. दैट इज़ द टू ऑप्शंस दैट आर गिवन अंडर द UPI. अगर UPI की बात करें, UPI हैज़ बिन डेवलप्ड बाय NPCI, दैट इज़ द नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, विच वर्क्स अंडर द गाइडलाइंस ऑफ RBI. And it is also based on the IMPS platform. IMPS platform means that anytime, anywhere banking. You can transfer funds anytime, anywhere, at any day of time. For example, NEFT, RTGS, there are days. For example, there are some Saturdays or Sundays you cannot pay, or after 8 p.m. you cannot pay. But here, you can pay anytime, anywhere. So basically, they are based on IMPS. The other enhancements are that you can pay by using a UPI pin. There is no other requirement. You can pay as many as rupees 2 lakh per day. एक दिन में आप 2 लाख तक ही पे कर सकते हो. पर जो different conditions हैं उनको हटाकर सिर्फ एक UPI पिन के ज़रिए you can transfer the funds. So UPI जो है that has increased rapidly and it is the next big thing, if not the big thing for digital transactions today. That is Unified Payment Interface. Clear हो गया? Please comment कर दीजिएगा 1 या फिर 1 star. UPI पे सवाल एग्ज़ाम में आता है, चाहे एग्ज़ाम कोई सा भी हो, UPI पे सवाल आपका आएगा. चलिए, अकरम अंसारी जी लिख रहे हैं, यू आर यूजलेस फेलो. थैंक यू सो मच अकरम फॉर द कॉम्प्लीमेंट. थैंक यू सो मच. ओके, आगे बढ़ते हैं. ले चलते हैं आपको अगली खबर पे, जो कि ये रही आपके सामने. वेल, KYC न्यूज़ में है.
केवाईसी न्यूज़ में है बिकॉज म्यूचुअल फंड्स में अब आपका केवाईसी इज़ अ प्रीरिक्विजिट, केवाईसी का कंप्लीशन अब म्यूचुअल फंड में होना ज़रूरी है. सो लेट्स डिस्कस व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द वर्ड केवाईसी. देखिए केवाईसी का जो फुल फॉर्म है दैट इज़ नो योर कस्टमर. दे विल बी क्वेश्चन गाइस, वॉट इज़ अ केवाईसी, वाई इज़ केवाईसी इंपॉर्टेंट एंड केवाईसी करने के लिए क्या क्या ज़रूरी है. विल डिस्कस केवाईसी थ्रू द हेल्प ऑफ सेबी रूल्स. जो सेबी के नए रूल्स हैं उनके हिसाब से ही हम केवाईसी को यहाँ पर डिस्कस करेंगे. तो आइए एक बार देख लेते हैं. सबसे पहले केवाईसी का दोस्तों जो फुल फॉर्म है, द फुल फॉर्म इज़ नो योर कस्टमर, दैट इज़ द फुल फॉर्म. इट इज़ अ मैकेनिज्म, ये एक प्रक्रिया है जहाँ पर बैंक्स और अदर इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशंस दे कैन वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ द कस्टमर सो दैट देर इज़ नो फ्रॉड, थेफ्ट और डुप्लीकेशन टेक्स प्लेस. बेसिकली इसका एक प्रक्रिया है जिसके ज़रिए दे चेक फॉर द आइडेंटिटी ऑफ द कस्टमर ताकि कोई भी किसी भी तरीके का फ्रॉड, थेफ्ट या फिर जो जो एक उनकी पहचान है उसका डुप्लीकेशन ना हो सके. इम्पॉर्टेंट क्यों है? इम्पॉर्टेंट है दो वजहों से. वन इज़ अ प्रैक्टिकल रीज़न एंड द अदर इज़ अ लीगल रीज़न. देर आर टू रीजन्स वाई द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ केवाईसी इज़ इम्पॉर्टेंट. पहला प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे, सेकेंड लीगल एस्पेक्ट पे. अगर हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की बात करें देन इफ देर विल बी नो केवाईसी देन एनी बडी कैन इम्पर्सनेट एनी वन एंड कैन गेट एन एक्सेस टू द बैंक अकाउंट्स और कैन ऑल्टर द इन्वेस्टमेंट. अगर हमने केवाईसी नहीं कराया तो जाहिर सी बात है कोई भी व्यक्ति आपके अकाउंट को इम्पर्सनेट कर सकता है, आप बन सकता है और आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसको भी चेंज कर सकता है या फिर आपके अकाउंट से पैसे विड्रॉ भी कर सकता है. नंबर वन. नंबर टू, अगर लीगली बात करें तो केवाईसी फॉर सेबी और फॉर द कैपिटल मार्केट इज़ वेरी कंपल्सरी, इज़ कंपल्सरी बेसिकली फॉर म्यूचुअल फंड्स. उनमें बिना केवाईसी के आप इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर सकते हैं. सो लीगली भी आपका ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. क्या है नीड केवाईसी की? केवाईसी का जो एक मकसद है बेसिकली टू प्रोवाइड यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी अक्रॉस ऑल इन्वेस्टमेंट्स डन बाय सेबी या फिर जो कैपिटल मार्केट या फिर इवन आरबीआई की बात भी करें तो जो एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, जो एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है फॉर हैविंग अ सेफ इन्वेस्टमेंट, उसको करने के लिए इंपॉर्टेंट है. इसके लिए डिफरेंट तरह के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, पैन कार्ड, योर आधार कार्ड, इलेक्शन आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस. देर आर डिफरेंट आईडी प्रूफ्स दैट कैन बी यूज्ड फॉर एन इफेक्टिव नो योर कस्टमर नॉर्म्स. क्लियर हो गया आप सबको? प्लीज कमेंट कर देना. वन बहुत ही सिंपल सी खबर, इसमें ज्यादा कुछ आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है. सवाल बनेगा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ केवाईसी, सेकंड व्हाट इज द यूसेज ऑफ केवाईसी, थर्ड व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट, फोर्थ कौन से एक्ट में आता है. द एक्ट इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट ऑफ 1881. इस एक्ट में केवाईसी के बारे में डिस्कस किया गया है. सवाल समझ में आ गया? सेबी पंकज इज सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इट इज़ द रेगुलेटर ऑफ द एंटायर कैपिटल मार्केट. समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं और ले चलते हैं आपको हमारी अगली खबर पे जो कि ये रही आपके सामने. व्हेन आई वाज रियली यंग, अभी भी मैं बहुत जवान हूँ तो क्या मेरी शादी हो गई, बट आई वॉज रियली व्हेन आई वॉज रियली यंग देन ही वॉज माई हीरोज. सम हीरोज फेल ऑफ द रडार, फॉर एग्जाम्पल लांस आर्मस्ट्रांग हु आई ट्रीटेड एज अ हीरो. बाद मालूम चला कि वो ड्रग्स लेकर वो रेसिंग करते थे. माइकल शूमाकर, ही इज़ इन हाइडिंग बिकॉज ही हैड गॉन थ्रू अ बैड एक्सीडेंट एंड अब वो चल फिर नहीं पाते. एंड थर्ड वन वॉज टाइगर वुड्स. टिल 2008 ही वॉज रिगार्डेड द ग्रेटेस्ट एवर गोल्फ प्लेयर्स एंड आफ्टर अ स्कैंडल दैट ब्रोक आउट इन विच वेरियस गर्ल्स अक्यूज हर ऑफ सेक्शुअल ऑफेंस, वेरियस कैजुअल अफेयर्स came to the fore and he had to go through surgery, he has made a royal comeback. The greatest comeback ever in the history of golf is that of Tiger Woods. He has won the Masters in the US and with this he has now 15 Masters Tour Masters win. He is thus just three away from becoming the greatest ever Masters winner, क्योंकि 18 नंबर पे हैं जैक निकलस एंड ही इज़ नाउ एट द 15th ऑफ स्पॉट. तो एक बार दिखाते हैं आपको उसी के बारे में. टाइगर वुड्स हैज़ वन द 83rd मास्टर्स, दिस इज़ हिज 15th मेजर टाइटल एंड दिस इज़ एन एपिक रिटर्न फ्रॉम स्कैंडल एंड इंजरीज फॉर द ग्रेट ग्रेट गोल्फ प्लेयर. द लास्ट टाइटल दैट ही वन वॉज इन 2008 व्हेन ही वन द US ओपन. This is his 5th Masters, guys, and the first since 2005, and it moves him 3 shy away from the all-time record of 18 Masters or Majors won by Jack Nicklaus.
He has also set a record for the longest gap between Masters triumphs, the 14-year spread 1 year longer than the old mark set by South African Gary player from 61 to 74. मतलब 14 साल के बाद इन्होंने एक मास्टर टूर्नामेंट को जीता है. Apart from US Masters, the other major championship in golf are the PGA Championship, the US Open, the Open Championship. तीन आपके नए मेजर चैम्पियनशिप है अपार्ट फ्रॉम द US Masters. The US Masters basically started in 1934 and Jack Nicklaus has won it for a maximum 6 times. लगातार मैक्सिमम 6 बार जैक निकलस ने यहाँ पर इसको जीता है. अगर हम बात करें टाइगर वुड्स की, टाइगर वुड्स इज 43 ईयर्स ऑफ एज. ही टर्न प्रोफेशनल 1996. ही हैज़ 181 PGA. PGA मीन्स प्रोफेशनल गोल्फिंग एसोसिएशन टाइटल्स. मेजर टाइटल्स इनके 15 हैं एंड PGA टूर ऑफ द ईयर 11 टाइम्स रहे. PGA टूर मनी लीडर थे 10 टाइम्स एंड हाईएस्ट वर्ल्ड रैंकिंग्स रही इनकी 1, जो कि रही 683 वीक्स तक लगातार. दैट इज़ ऑल्सो अ वर्ल्ड रिकॉर्ड. सो ओवरऑल ही हैज़ वन द US मास्टर्स आफ्टर अ 14 ईयर लॉन्ग वेट. क्लियर हो गया आप सबको? प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा 1 या फिर 1 स्टार. आगे बढ़ते हैं, ले चलते हैं आपको अगली खबर पर. Lewis Hamilton guys has won the Chinese Grand Prix and his teammate Valtteri Bottas has won the number second spot in this particular race. तो आइए एक बार जरा फैक्ट फाइल की बात कर लेते हैं. ये आपके सामने 1-2 हैट्रिक फॉर मर्सिडीज दिस सीजन, द फर्स्ट टाइम अ टीम हैज अचीव्ड सिंस 1992. This is the 75th career victory for the reigning world champion Lewis Hamilton. Michael Schumacher was 35 and he won 75th. Michael Schumacher 91 victories हैं, तो ये उसके बाद आ चुके हैं. He is from Britain, तो उनको हम ब्रिट कहेंगे. He is the Britisher who has become the second driver after the Michael Schumacher to lead in 4,000 laps in F1 history. This is the 6th title for Hamilton in China and he is now at the top of the Drivers' Championship. तो ओवरऑल बात करें तो ये नंबर वन रैंक पे आ चुके हैं एंड ये इनकी 75वीं करियर विक्ट्री भी है. मैं देख रहा हूँ 840 पीपल आर वॉचिंग, ओनली 367 लाइक्स. दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, आप सबको वीडियो को सबके सब लाइक करें, बिकॉज आई वॉन्ट एवरी वन ईच वन ऑफ यू टू लाइक द वीडियो. चलिए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं हमारे आज के वन ऑफ द लास्ट खबरों पर. दोस्तों Milwaukee Bucks head coach Mike Budenholzer has been named the 2019 Coach of the Year by the NBA Coaches Association on Saturday after his dazzling first year in which his team finished the season with the best record in the league. तो याद रखिएगा इनका नाम है मिस्टर माइक बुडेनहोल्जर. ही हैज़ वन द NBA कोच ऑफ द ईयर. ही इज़ द कोच ऑफ द मिलवॉकी बक्स इन द नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, दैट इज़ द NBA. वहाँ पर ये आपके कोच बनाए गए हैं. ठीक है, इनका नाम याद, इनका नाम जो है दैट इज़ मिलवॉकी बक्स. दैट इज़ द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लेयर. इनका नाम है माइक. इनको मिला है दिस पर्टिकुलर वे. चलिए आते हैं हमारे आज के लास्ट खबर पे, जो कि ये रही है आपके सामने. बात करते हैं हम दुनिया के सबसे जो बड़े प्लेन है. इट हैज़ मेड द फर्स्ट टेस्ट फ्लाइट. द लार्जेस्ट एरोप्लेन विद 2 फ्यूजलेजेस एंड 6 बोइंग 747 इंजन्स हैज़ मेड इट्स फर्स्ट फ्लाइट इन कैलिफोर्निया. This jet is called Stratolaunch. That is the name of this particular jet, which is the world's largest airplane. It carried out its maiden flight over the Mojave Desert. It is designed to carry into space, drop a rocket that would turn ignite to deploy satellite. तो कई तरह के इसके functions कहे गए हैं. Basically, it hit a top speed of 304 kilometers per hour and it reached a height of 17,000 feet. That is around 5182 meters. This Stratolaunch was launched by the late founder of Microsoft, that is Paul Allen, and उनकी देहांत से पहले उन्होंने इस particular initiative पे investment किया था. तो overall बात करें तो the world largest plane जो है that has made the first flight, उसने कल किया है ऐसा काम. और इस flight का जो नाम है आपके सामने, that is Stratolaunch. ये नाम आप यहाँ पर चाहें तो याद रख सकते हैं. With this I'll come to an end guys. These were the top 13 headlines and मैंने इसके लिए समय लिया 33 minutes का. So around 2 minutes per headline and that is the best time possible. So आप सबका आने के लिए यहाँ पर शुक्रिया. दोस्तों अगर आप चाहते हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड इसका PDF अभी अवेलेबल है ऑन माय टेलीग्राम चैनल. उसका लिंक मैंने आप कमेंट सेक्शन में यहाँ पर दे दिया है, ताकि मैं एक बार बता सकूँ आपको कि हाँ आपको क्लियर हो गया है.
ऑल राइट, नंबर वन. नंबर टू गाइज, अगर आप डेली व्यूअर हैं शो के, एक काम आपको करना है, एक ही काम आपको करना है, दैट इज़ टू शेयर द वीडियो ऑन सोशल मीडिया, ताकि आपके साथ और लोग भी शो को देखें. एंड मेरा इंटेंशन है दोस्तों दैट बाय द एंड ऑफ दिस मंथ दिस बिकम्स द बेस्ट करंट अफेयर शो ऑन यूट्यूब. ये मेरा इंटेंशन है. तो प्लीज़ गाइज, आप सबका रिक्वेस्ट है मेरी कि आप सबको इसको शेयर करें. तो थैंक यू सो मच गाइज आपका आने के लिए. मिलता हूँ अब आपसे मैं कल विद मोर इम्प्रूवमेंट्स इन द शो एंड एट द राइट टाइम, दैट इज 8 AM. सो थैंक यू सो मच गाइज आपका आने के लिए. मिलता हूँ अगली बार कल सुबह. बाय गाइज, टेक केयर एंड पीस आउट.